3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं हॉराइज़न हेल्थ न्यूज़। माकुपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। प्लास्टिक पैकिंग बनाने वाली सुरक्षा फ्लेक्सो पैक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में लगी आग से मचा हड़कंप। रविवार सुबह माकुपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित सुरक्षा फ्लेक्सो पैक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। रविवार को छुट्टी का दिन होने से फैक्ट्री बंद थी। वहीं आसपास की फैक्ट्री में मौजूद लोगों को जैसे ही फैक्ट्री से धुआं निकलता दिखा, उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पास ही में फैक्ट्री संचालित करने वाले सुरेंद्र लोढ़ा ने बताया कि आग की भीषणता को देखते हुए अपने स्तर पर भी टैंकर मंगवाए और फैक्ट्रियों में मौजूद पानी से आग बुझाने का प्रयास किया। इतने में ही अग्निशमन विभाग की 8-10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास जारी रखे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी लेने के लिए वापस दूर न जाना पड़े, इसलिए फैक्ट्री संचालकों ने अपने स्तर पर टैंकर का इंतजाम भी मौके पर ही कर दिया। भारी मात्रा में फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान भरा होने की वजह से आग विकराल होती चली गई। वहीं आदर्शनगर थाना पुलिस और स्थानीय फैक्ट्री में काम करने वाले अनेक लोग मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे दिखाई दिए। ऐसे मतलब कुछ समय लगा पर पहुंच गई। 4 ब्रिगेड जागेंगे फायर ब्रिगेड की और अपने गेल से भी आगे हैं, टैंकर भी मंगवा रहे हैं हम लोग, जिससे पानी इसमें यही रिप्लेस कर दिया जाए, इनको वापस नहीं जाना पड़े। अंदर कोई अंदर आदमी नहीं, अंदर कोई आदमी नहीं था। आज छुट्टी थी, सिर्फ चौकीदार लोग थे और कोई भी नहीं था। कोई काम चल रहा था? नहीं नहीं, कोई छुट्टी रहती है आज के दिन पूरी फैक्ट्री के अंदर। आप देखिए भी 1.25 घंटा पहले लगी, कारण अभी पता नहीं चला। कारण नहीं पता नहीं चला। आपका नाम बताओ? मेरा नाम सुरेंद्र लोढ़ा। हाँ जी, ये मेरी फैक्ट्री नहीं है, पहले तो ये बता दो। ये फैक्ट्री है, पैकेजिंग फिल्म बनाते हैं ये लोग, जैसे भुजिया के वो थैले बनते हैं ना, भुजिया वाली उसकी फिल्म बनाते हैं। फायर ब्रिगेड प्रभारी ने बताया कि लगभग 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और 3-4 गाड़ियां पानी भरने में लगी हुई हैं। प्लास्टिक का सामान होने से आग काबू में नहीं आ रही, जल्द ही आग को काबू कर लिया जाएगा। ये हमारे पास सूचना आई थी कि सुरक्षा फ्लेक्सो करके कोई एक गोदाम है, वहाँ आग लगी हुई है और ये कोई प्लास्टिक के पाइप वगैरह जो है ना वो बनाती है। तो उसमें हमने करीबन पहले तो 2 गाड़ियाँ रवाना करी, फिर आग ज़्यादा थी तो हमने 4-5 जो गाड़ियाँ हैं करीबन हमारी 8-10 गाड़ियाँ लगी हुई है और 2-4 के पानी खत्म हो गया तो वो भरने गई हुई है गाड़ी, और आग पे अभी कंट्रोल करने का काम जारी है। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट और JLN हॉस्पिटल के सहयोग से लगाए गए शिविर में 50 यूनिट रक्त एकत्रित। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी अजमेर वर्ष 2013 से लगातार रक्तदान महादान महायोगदान के वाक्य को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है। रविवार को अजय नगर नेहरू नगर स्थित साईं बाबा मंदिर में साईं बाबा ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लगाए गए शिविर में JLN अस्पताल की मोबाइल वैन में COVID-19 नियमों का पालन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने अपने रक्त का दान किया। खासकर गृहिणियों और युवाओं में रक्तदान का जुनून देखते ही बन रहा था। सोसाइटी द्वारा 50 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, जो निर्धारित समय से पूर्व ही पूरा कर लिया गया। सोसाइटी की सचिव नंदिता रवि चौहान ने बताया कि सोसाइटी लगातार जनउपयोगी कार्यों को करती आ रही है, उसी के तहत हर वर्ष रक्तदान शिविर लगाया जाता है।
कोविड काल में रक्त की जरूरत को महसूस किया गया, उसके लिए जेलन अस्पताल को एकत्रित किया गया रक्त आपातकाल में जरूरतमंदों की मदद के लिए सौंपा जा रहा है, जिसमें युवक युवतियां व गृहणियां बड़े उत्साह के साथ रक्तदान कर रहे हैं। अजय मेरो लेडीज सोशल सोसाइटी की तरफ से पिछले 2013 से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है और आज हमने हमारी सोसाइटी ने सिंधी मंदिर में JLN के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। करीब 25 से 30 मेंबर्स का हो चुका है रक्तदान और हमारा टारगेट 50 का है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, 12 से लेकर 3 बजे तक का हमारा आज का शेड्यूल है। किस तरह से क्या बोलते हैं लेडीज और जेंट्स ने इसमें भाग लिया है, बढ़ चढ़ के? बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। कोरोना की वजह से सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, समझा है और रक्तदान के लिए, क्योंकि आज हम लोगों को जो 2 साल में हमने पिछले महामारी में हम जाके और जूझ के बाहर निकले हैं, तो इसकी अहमियत को हम समझ पाए हैं। और वाकई में अगर हम देखें तो जो हमारे युवा हैं वो बहुत अच्छे से इसमें योगदान दे रहे हैं। पहले हाउसवाइफ्स इतना नहीं कर पाती थी, आज वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। आज ये रक्तदान शिविर कहाँ पर लगाया गया और कौन कौन लोग आपकी संस्था से यहाँ मौजूद रहे? हमारी संस्था के तकरीबन सभी सदस्य यहाँ पे हैं और सिंधी मंदिर में, सॉरी साईं बाबा मंदिर में हमारे रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहीं युवा रक्तदाता आयुषी जैन व मधुर टांक ने बताया कि आपके द्वारा दिया गया थोड़ा सा रक्त किसी की जान को बचाने में बहुत ही सहयोगी होता है। आपको रक्त देने के बाद कोई कमी महसूस नहीं होती और दिया हुआ रक्त वापस से जल्द ही बन जाता है। बार बार रक्त देने से आप स्वस्थ रहते हैं, इसलिए लगातार रक्तदान करते आ रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वे समय समय पर रक्तदान जरूर करें। क्या कहना चाहोगे आज ब्लड डोनेशन देने आप यहाँ पर आए हैं? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट करना पहले तो बहुत ही नोबल कॉज है और हम सबको ब्लड देना चाहिए और ये हमारा जितना भी खून निकलता है उससे हमारी बॉडी को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। प्लस यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी है, तो वो आपको ब्लड डोनेट करने के बाद भी प्रॉपर जूस वगैरह आप सब पी लो तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा बॉडी को। तो ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, इट्स वेरी नोबल कॉज और ये आपका ब्लड काम ही आएगा। बॉडी में इतना ब्लड है तो थोड़ा सा ब्लड दे भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक लड़की होने के नाते आज आपने ब्लड दिया है, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे और कौन सी बार आज आपने ब्लड दिया? मैंने आज चौथी बार ब्लड दिया, जब से मैं ब्लड देने लगी हूँ तब से मैंने चौथी बार ब्लड दिया। और लोगों को ऐसा लगता है कि बीइंग अ गर्ल आप में पावर कम होगी, आपका यू नो आप में ब्लड कम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत आप इजीली ब्लड दे सकते हो और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने खुद चौथी बार ब्लड दिया, ना मैं तो गर्ल, तो इट डजंट मैटर। बस आपका हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा सही होना चाहिए। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? I'm feeling perfectly fine. मुझे कुछ dizziness, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो सब ठीक है। सबको करना चाहिए और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और जितना युवा इसमें सपोर्ट करेंगे उतना सबके लिए अच्छा रहेगा और ये सभी को करना चाहिए। और अभी तो अच्छा मौका मिला है ब्लड डोनेट करने का, तो सबको आना चाहिए और ब्लड डोनेट करके जाएं। दूसरों के लिए कोविड भी सिचुएशन है, सबको बहुत ब्लड की जरूरत है, जितने ज्यादा लोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अभी कौन सी बार आप ब्लड देने जा रहे हैं? मेरा 10th 11th टाइम। कैसा लगता है ब्लड देने के बाद? किसी तरह की कोई कमजोरी महसूस होती है? कमजोरी किसी किसी के फर्क पड़ता है, जैसे और जिनके इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, जो डेली अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनके लिए ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। ख्वाजा साहब की दरगाह में दूसरी बार फिर से शुरू हुआ महिला कॉरिडोर का कार्य। दरगाह में लंगर खाना की छत पर किया जा रहा है महिला कॉरिडोर का निर्माण। ख्वाजा गरीब नवाज की प्रबंध कमेटी दरगाह कमेटी के सदस्यों ने आज सदर अमीन पठान की अध्यक्षता में दरगाह स्थित लंगर खाना की छत पर महिला कॉरिडोर के दूसरे चरण के कार्य का शुभारंभ किया।
ख्वाजा साहब की दरगाह में देश विदेश से आने वाले जायरीनों के लिए कई सौगातें मिल रही हैं। वर्तमान दरगाह कमेटी की ओर से बनाई गई कुछ योजनाओं पर कार्य चालू है तो कुछ कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। ख्वाजा साहब की दरगाह में दूसरी बार फिर से लंगर खाना की छत पर महिला कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है। इसमें पहले चरण का कार्य कुछ अधूरा रह गया था, अगले दो महीने में दूसरे चरण का कार्य भी सदर अमीन पठान ने पूरा होने की उम्मीद जताई है। दूसरे चरण के इस काम की शुरुआत सभी कमेटी के सदस्यों ने फातिया के साथ की और सदर के साथ ही सभी सदस्यों ने दूसरे निर्माण कार्य की शुरुआत की। कॉरिडोर बन जाने के बाद यहाँ महिलाएं नमाज और इबादत के लिए बैठ सकेंगी। इस खास मौके पर सदर अमीन पठान, नायब सदर मुनव्वर खान, सदस्य फारूक आजम, कासिम मलिक, सैयद बाबर अशरफ, सपात खान, जावेद पारेख और नाजिम अशफाक हुसैन शामिल रहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बहुत खुशी की बात है कि दरगाह के अंदर जो मस्तूरात के लिए जो लेडीज़ कॉरिडोर जो ये बना था कॉरिडोर, इसका फर्स्ट फेज का काम हो गया था लेकिन काम बाकी था। और जब हम हमारी कमेटी जब बनी थी, हमारा इंतखाब हुआ था, तब हमने ये भी वादा किया था कि हम जो दरगाह के डेवलपमेंट के लिए जायरीन की बेहतरी के लिए उनको जब वो यहाँ पर आए तो सब चीज़ें आसान हो, तो ये जो लेडीज़ कॉरिडोर था इससे बहुत चीज़ें ख़वातीन के लिए आसान होती है, ख़ास तौर से जुमे के दिन जब वो यहाँ पे ऊपर आ जाती है। तो ये इसका फर्स्ट फेज का काम हुआ था, बाकी काम रुका हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका काम हमने यहाँ पे शुरुआत कर दिया है इसका, और उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर ये इसका सेकेंड फेज का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। दरगाह कमेटी लगातार हमारे जो अक़लियती उमूर है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी की क़यादत के अंदर और उनके सपोर्ट से आज दरगाह कमेटी के तमाम मेम्बरान हमारे नाजिम साहब, नायब सदर साहब और ख़ास तौर से मिनिस्ट्री हमारी और जो दरगाह के और स्टेक होल्डर है उसके अंदर अंजुमन सैयद जादगान, शेख जादगान, दीवान साहब और जिला प्रशासन सब हमको सहयोग कर रहा है। और इन सब सहयोग की वजह से हम लगातार यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक हमने बनाया, गेट चौड़ा जो किया है 5 नंबर, बाकी जो शाहजानी गेट और बाकी जो गेट है उनको भी चौड़ा करेंगे और ये लेडीज़ कॉरिडोर का काम भी बहुत स्पीड से होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज इसकी जो है इब्तिदा हो गई है और इस मुकद्दस बारगाह यहाँ पे जो इस बारगाह के अंदर जो लोग आएंगे ख़ास तौर से ख़वातीन को इसके बनने के बाद बहुत आसानी होगी और ये काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। और इसके लिए मैं हमारे मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें जिम्मेदारी भी दी और ये काम करने के लिए हमको मौका भी दिया। अस्पताल के लिए क्या जी, अस्पताल के लिए कल हमारी सब कमेटी की मीटिंग थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्योंकि हमने पहले कमेटी के अंदर उसको पास कर लिया था और अब कल सब कमेटी ने भी उसको कर दिया उसके अप्रूवल के लिए, जो उसका जो हमको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो उसके नक्शे वगैरह पास कराने हैं, ड्राइंग पास करानी है, उसके लिए हमारी फाइल वहाँ पे जो है अप्रूवल के लिए जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस हॉस्पिटल का भी जल्दी से अप्रूवल आएगा और उसका काम बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी पूरा होगा। हम 1 साल के अंदर अंदर उसके पहले पहले उसको उसका फर्स्ट जो फेस का काम है वो मुकम्मल। 14.25 किलो चांदी से बनाए गए मंदिर में विराजे बाबा श्याम। 22 मई 1993 में स्वर्गीय निहाल चंद गर्ग ने की थी बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठा। मदारगेट स्थित सूरजकुंड बालाजी मंदिर में 22 मई 1993 को श्याम प्रेमी स्वर्गीय निहाल चंद गर्ग ने खाटू वाले बाबा श्याम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी।
उस वक्त श्याम प्रेम मंडल का गठन भी हुआ और तब से लगातार हर साल श्याम बाबा का दरबार सजाया जाता है और श्याम प्रेम मंडल द्वारा वार्षिक उत्सव मनाते हुए विशाल भजन संध्या व जागरण के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2 साल से ऐसे आयोजन नहीं हो रहे। अनलॉक 4.0 में श्याम प्रेमियों और श्याम प्रेम मंडल की ओर से 14.25 किलो चांदी से तैयार करवाए गए दरबार में एक बार फिर खाटू श्याम को दोबारा से विराजित करने का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शनिवार को कलश यात्रा, हवन और रात को भजन हुए तो वहीं रविवार को बाबा श्याम की प्रतिमा को नए दरबार में विधि विधान से विराजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी भक्तों ने झूमते नाचते बाबा श्याम की आराधना की। कार्यक्रम के समापन पर श्याम भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। आज यहाँ बाबा श्याम की और यहाँ पे शिव परिवार की, भगवान लक्ष्मी और नारायण जी की, विष्णु की और हनुमान जी की प्रतिमा का यहाँ उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा श्याम यहाँ पर उन्हें चांदी के मंड में विराजे हैं और ये बाबा श्याम का श्रृंगार आज यहाँ अद्भुत अजमेर शहर में श्री श्याम प्रेम मंडल के तत्वाधान में ये समस्त धार्मिक आयोजन यहाँ आयोजित किया जा रहा है। कितने साल बाद ये पूरा बता? ये 28 साल बाद 22 मई 1993 को बाबा विराजमान हुए थे और बाबा को पुनः यहाँ इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके इस पूरे मंडल को चांदी का निर्मित करके यहाँ आज बाबा पुनः विराज। अजमेर शहर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग व देहात जिला द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। कोरोना की पहली व दूसरी लहर में जरूरतमंदों की सेवा करने वाले हुए सम्मानित। रविवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष हाजी महमूद खान की अध्यक्षता में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अजमेर के सभी गांवों व शहर से आए पदाधिकारियों के साथ कोरोना वॉरियर्स ने भाग लिया। जिले के रामसर, विजयनगर, जूनिया, बड़गांव, नसीराबाद, किशनगढ़, गुड़ा, ब्यावर, मसूदा, बांदनवाड़ा, भिनाय, बरल, गेगल, कालेसरा, सरादना, फकीराखेड़ा, राजौसी, लोंगिया, बड़े पीर रोड इत्यादि गांवों के लोगों ने भाग लिया। समारोह में कोविड नियमों का पूरा ध्यान रखा गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए देहात अध्यक्ष महमूद खान ने कोरोना काल में एसआई व गरीबों की मदद करने वालों की हौसला अफजाई की व जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद दिया। साथ ही अध्यक्ष द्वारा नव नियुक्त महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष किशनगढ़ की हमीदा बानो का शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आभार व्यक्त किया गया। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों व कोरोना वॉरियर्स का माला पहनाकर सर्टिफिकेट देकर सम्मान व स्वागत किया गया। समारोह को जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने संबोधित किया व कोरोना वॉरियर्स को शुभकामनाएं दी। समारोह में देहात कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला प्रवक्ता सूर भाई देशवाली का रसद अधिकारी व अध्यक्ष ने माला साफा पहनाकर सम्मान किया। अंत में आभार व धन्यवाद हमीदा बानो ने व्यक्त किया। संचालन इरमाई देशवाली रामबर ने किया। ये जो अभी दुनिया में कोरोना की बीमारी चल रही है, कोरोना 1 और कोरोना 2, उसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहब ने जो एक संकल्प लिया था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उसके लिए हमने अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस पार्टी
की ओर से पूरे अजमेर जिले के समस्त गांवों में जितने भी अजमेर जिले के देहात के गांव हैं जिसमें विजयनगर, मसूदा और किशनगढ़, रामसर, जिलावा, गेगल, गंदवाला और उसके अलावा फकीरा खेड़ा, सोमनपुर, उसके साथ साथ जो शहर के इलाके हैं जैसे खानपुरा हो गया, इधर लोहा खान हो गया, ईदगाह कच्ची बस्ती हो गई, अजमेर शहर के अंदर दरगाह बड़ा पीर रोड हो गया, अंदर कोट इलाका हो गया, लोहा ये आपके लौंगिया इलाका हो गया, उन सब इलाकों में हम अजमेर जिला युवा कांग्रेस पार्टी देहात की ओर से प्रत्येक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को राशन वितरित किया गया। ये राशन जो वितरित किया गया ये जनता वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से किया गया और उसमें कोरोना वन और कोरोना टू दोनों में ही राशन वितरित किया गया। उसके साथ साथ आपको जानकर ये भी पता होगा कि इस दोनों कोरोना काल के अंदर रमज़ान का पवित्र महीना भी आया था। उस रमज़ान के पवित्र महीने में हमारी ओर से सहरी अफ्तारी के साथ साथ खजूर का भी इंतजाम किया था। जब ईद आई थी तो करीब 2000 से अधिक पैकेट सिवैयों को भी बांटे गए थे और अभी भी ये कार्य जारी है। और हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को हम प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको राशन पहुँचाएगा। आज जो मुख्य जो हमने ये कार्य किया था स्वागत समारोह उन लोगों का किया था जिन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर गाँव में डालियों में अपने अपने इलाके में हमारे द्वारा उपलब्ध कराया हुआ राशन एक एक चिन्हित करके प्रत्येक व्यक्ति के घर पहुंचाया था जो वाकई में ही ज़रूरतमंद थे। कुछ नगद सहायता भी हमने प्रदान की थी वो भी उन्होंने उनके घर पर पहुंचाया था। तो यही आज प्रोग्राम था। जय हिंद, जय भारत। आज कोरोना महामारी के संदर्भ में पहली लहर हो चाहे द्वितीय लहर हो जो विभीषिका का थी उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो संकल्प था कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस आपदा की घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आ गया है। उसी संदर्भ में जनता वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान से अजमेर जिले के कोने कोने से पधारे हुए कार्यकर्ता जिन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद की, उनका सम्मान समारोह था, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। इस कोरोना की घड़ी के अंदर वो आ गया है और लोगों की जन सेवा की। बहुत बहुत थैंक यू। अजमेर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध होने के बावजूद अजमेर वासी प्यासे रहने को मजबूर। तारागढ़ दरगाह और आसपास के क्षेत्र पिछले एक महीने से हो रही है भारी तारागढ़ दरगाह और आसपास के क्षेत्रों में पिछले एक महीने से हो रही है पानी की भारी किल्लत। गर्मी में तेजी के साथ पानी की किल्लत कोड में खाज का काम कर रही है। शहर से हजारों फीट ऊपर पहाड़ी पर बसे तारागढ़वासी लंबे अरसे से पानी की समस्या से त्रस्त हैं। तारागढ़ दरगाह और आसपास के क्षेत्र में पानी की किल्लत से स्थानीय लोगों के साथ दरगाह आने वाले जायरीनों को भी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। तारागढ़ के खादिम हाजी सैयद रमजान अली मशादी ने बताया कि हजरत मीरा सैयद खिंग सवार की दरगाह में खासी तादाद में रोजाना जायरीन जियारत करने के लिए आते हैं। तारागढ़ पर काफ़ी परिवार भी रहते हैं लेकिन जलदाय विभाग ने तारागढ़ की अनदेखी कर रखी है। कई बार शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तारागढ़ के लोगों ने पूर्व में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से पानी की नियमित आपूर्ति कर पानी की किल्लत दूर करने की मांग की थी लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। महंगाई के इस दौर में 2 से 3 पानी के टैंकर प्रतिदिन मंगाए जाकर पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है जो नाकाफी है। सरकार और जिला प्रशासन के साथ जलदाय विभाग के अधिकारियों से अपील है कि वे अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं में शुमार पानी की किल्लत को जल्द दूर कर राहत पहुँचाएँ। स्थित दरगाह हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए रोज़ाना हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद हाजिर होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ज़िला प्रशासन की तरफ से, जलदाय विभाग की तरफ से
यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। जायरीन को पानी के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वजू खाने में पानी नहीं है, वजू खाने का जो हौज है वो खाली पड़ा हुआ है, झाला खाली पड़ा हुआ है। दरगाह इंतजामिया कमेटी, दरगाह हजरत मीरा साहब अपनी जानिब से रोज़ाना टैंकर मंगवा कर मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरपरक्षक विजय यादव सांपों को बचाने के साथ मानव जीवन को कर रहे हैं सुरक्षित। सरपरक्षक ने 5 कोबरा, 1 रेड स्नैक और 1 वुल्फ स्नैक को किया रेस्क्यू। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरपरक्षक विजय यादव लगातार सांपों को बचाने और मानव जीवन को सुरक्षित करने के कार्य में लगे हुए हैं। सरपरक्षक की इसी मुहिम के चलते सरपरक्षक ने 7 सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें 5 कोबरा, 1 रेड स्नैक और 1 वुल्फ स्नैक शामिल है। सरपरक्षक यादव ने बालूपुरा निवासी सत्यप्रकाश के घर के आंगन में घुसे एक 6 फीट के कोबरा, माकड़वाली रोड स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में घुसे एक कोबरा को आर्किटेक्ट अनिल खंडेलवाल की सूचना पर रेस्क्यू किया। इसी तरह कंचननगर दौराई स्थित अजहर मोइन के निर्माणाधीन मकान के पानी के टैंक में गिरे एक कोबरा सांप, बूढ़ाबाय बालाजी मंदिर के पास विशाल के निर्माणाधीन मकान के पानी के टैंक में गिरे एक कोबरा, हनुमान नगर पंचशील कॉलोनी निवासी तरुण सक्सेना के घर की रसोई में घुसे एक कोबरा, जीआरपी के अजय तंवर की सूचना पर जीआरपी लाइंस में घुसे एक 7 फीट के रेड स्नैक और अंबावाड़ी कॉलोनी में घर के बाहर से एक वुल्फ स्नैक को रेस्क्यू किया। सरपरक्षक विजय यादव ने सभी सरीसृपों के जीवन की रक्षा करने की अपील के साथ सभी सांपों को सुरक्षित रूप से उनके प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ दिया। हमने 7 सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें 5 स्पेक्टिकल कोबरा सांप, 1 रेड स्नैक और 1 वुल्फ स्नैक। ये स्पेक्टिकल कोबरा सांप, एक सांप हमने रेस्क्यू किया बालूपुरा गांव से, एक सांप रेस्क्यू किया बूढ़ाबाय गांव स्थित एक निर्माणाधीन पानी के टैंक से, एक कंचन नगर में पानी के टैंक में गिर गया था कोबरा सांप, उसे रेस्क्यू किया, एक सांप रेस्क्यू किया माकड़वाली स्थित एक निर्माणाधीन सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के कंस्ट्रक्शन साइट से रेस्क्यू किया, एक रेस्क्यू किया हमने कोबरा सांप हनुमान नगर पंचशील से, एक रेड स्नेक हमने रेस्क्यू किया जीआरपी लाइन से जो कि अजय तंवर जो कि कांस्टेबल हैं उनकी सूचना पर, और एक हमने रेस्क्यू किया वुल्फ स्नेक जो कि अंबावड़ी कॉलोनी से हमने रेस्क्यू किया। ये ईंटों के नीचे जाकर के बैठ गया था और मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ पहुँचा और उसे रेस्क्यू किया। इस प्रकार से 7 सांपों को हमने रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित आवास में वापस से छोड़ दिया ताकि ये सुरक्षित रूप से रह सके। पुष्कर में श्री गिरधर गोपाल मंदिर का पाटोत्सव समारोह, निम्बार्क पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज के सानिध्य में हुआ मंदिर का पाटोत्सव। धार्मिक नगरी पुष्कर स्थित मीरा के आराध्य श्री गिरधर गोपाल मंदिर परशुराम द्वारका में आज निम्बार्क पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्याम शरण जी देवाचार्य श्री श्री जी महाराज के सानिध्य में मंदिर का पाटोत्सव समारोह सादगी से मनाया गया। मंदिर के पुजारी नवनीत शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पाटोत्सव समारोह के दौरान सबसे पहले निम्बार्क पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्याम शरण जी देवाचार्य के हाथों श्री ठाकुर जी एवं राधा जी का विग्रह का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस दौरान अजमेर के भजन गायक अशोक तोशनीवाल, मुकेश गिरी पाराशर, दीनदयाल पाराशर, सत्यनारायण धाबाई सहित अन्य भजन गायकों ने संगीत में भजन कीर्तन की प्रस्तुति दी। पाटोत्सव के अवसर पर श्री गिरधर गोपाल जी एवं श्री राधा जी का विशेष श्रृंगार कर महाआरती उतारी गई और मौजूद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। खास बात यह रही कि इस दौरान मौजूद सभी श्रद्धालु भक्तों ने श्री श्री जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। पाटोत्सव के दौरान गजेंद्र शास्त्री, सुभाष पाराशर, दिनेश पंडित, राकेश भट्ट, वेद प्रकाश पाराशर, अरुण वैष्णव, कुलदीप पाराशर, कमल अग्रवाल, दिनेश पाराशर, श्याम सुंदर पाराशर सहित अन्य श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे।
राजगंज परम पूज्य जगतगुरु श्री श्री जी महाराज के सानिध्य में महाभिषेक प्रातः 9 बजे से महाभिषेक शुरू हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा विद्यार्थी हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सब पधारे यहाँ और उनके वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा महाभिषेक हुआ। उसके बाद ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार हुआ। उसके बाद महाआरती हुई, राजभोग प्रसाद हुआ और सभी भक्तगण परम पूज्य जगतगुरु श्री श्यामचरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। आज का जो पाठोत्सव मनाया जाता है, आखिर क्या विशेषता है, क्यों मनाया जाता है? आज के दिन हमारे श्रीमती भक्ति मती मीराबाई जी के परम आराध्य श्री गिर गोपाल जी देवता हैं, उनको हमारे परम पूज्य आचार्य श्री चरणों में यहाँ पुष्कर राज में समर्पित करके गए थे। उनकी सेवा निरंतर आज मीराबाई के काल से आज तक निरंतर प्रसाद द्वारा में परम पूज्य जगतगुरु श्री श्री जी महाराज के सानिध्य में नित्य निरंतर अभिषेक आरती भोग सभी नित्य चल रहा है। आज ही के दिन ये मंदिर प्रतिष्ठापित हुआ था? आज ही के दिन मंदिर प्रतिष्ठा हुई थी, वही पाठोत्सव महोत्सव है। दरगाह कमेटी की सब कमेटी की बैठक संपन्न, तैयार होगा विकास कार्यों का मॉडल। ख्वाजा गरीब नवाज की प्रबंध कमेटी, दरगाह कमेटी की किराया विकास एवं स्कूल समिति की बैठक सदर अमीन पठान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी एक वर्ष में विकास कार्यों में तेजी और बेहतर नतीजे लाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इस विकास मॉडल में दानदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ किराया सब कमेटी में दरगाह कमेटी की खाली संपत्तियों के विकास पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से उसे योजनाबद्ध तरीके से तय कर तैयार किया जाए। बैठक में नायब सदर मुनव्वर खान, सदस्य फारूक आजम, कासिम मलिक, सैयद बाबर अशरफ, सपात खान, जावेद पारिक एवं नाजिम अशफाक हुसैन शामिल हुए। आज होगा महिला कॉरिडोर के विस्तार का कार्य प्रारंभ। आज दरगाह कमेटी द्वारा मुसाफिर खाने की छत पर जारी महिला कॉरिडोर के कार्य के विस्तार का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उक्त कार्य को लेकर पुनः बंबई की अशरफी लतीफ फाउंडेशन द्वारा ही किया जा रहा है। थे कि दरगाह के अंदर जो डेवलपमेंट के काम, जो हमने जब हमारी कमेटी बनी थी तो हमने पूरा जो फोकस किया था कि जायरीन की बेहतरी के लिए हम इंतजाम करें और उसको लेके लगातार दरगाह कमेटी काम कर रही है। टॉयलेट ब्लॉक बनाया, माशाल्लाह शुरू हो गया है। उसके बाद जो गेस्ट हाउस के अंदर भी काम किए है, रूम्स के जो है उनकी उनको रिनोवेट किए है रूम को भी, और जो गेट को चौड़े करने का काम था, 5 नंबर गेट का काम ये मानिए कि मुकम्मल होने जा रहा है। और आने वाले वक्त के अंदर जो जायरीन पूरी दुनिया से गरीब नवाज के चाहने वाले अकीदतमंद आते हैं इस मुकद्दस जगह पर, तो जो कुछ और गेट है उनको भी चौड़ा करना है। और दरगाह के अंदर बहुत सारे काम हैं तो उनको किस तरीके से जल्दी से उनको शुरुआत की जाए, क्योंकि हमारा करीब 1.25 साल इस कोविड के अंदर खराब हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर दरगाह के अंदर भी जो खूबसूरती के काम है वो भी काम शुरू करना है। हॉस्पिटल का काम जल्दी से शुरू करना है और बाकी के जो गेट है उनको भी जल्दी से चौड़ा करने का काम करना है। तो ये सब काम को लेकर आज कमेटी जो सब कमेटी के सभी जो मेम्बरान थे वो आए। नौकरी न मिलने से अवसाद में आए युवक ने लगाई फांसी। जवाहर जादूगर कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र कुमार की मां के स्थान पर रेलवे में लगनी थी नौकरी। अलवर के थाना अंतर्गत जवाहर जादूगर कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र कुमार ने अपने घर में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक जितेंद्र कुमार के भाई हेमंत कुमार ने बताया कि जितेंद्र कई दिनों से अवसाद में चल रहा था।
उसकी मां के स्थान पर रेलवे में नौकरी लगनी थी, लेकिन 10वीं की मार्कशीट को लेकर कुछ परेशानी हो रही थी और 7-8 महीने से नौकरी की प्रक्रिया लंबित चल रही थी, जिसकी वजह से वह अवसाद में चल रहा था। मृतक जितेंद्र को डायबिटीज़ और पथरी की बीमारी थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट कुछ पता नहीं चला है। अलवरगेट थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले की तफ्तीश जारी है। नाइट के टाइम पर जब सोने के लिए गया, सुबह देखा तो उठ गया, तो मैं दिया बत्ती करने के लिए नीचे कमरे में गया, देखा तो ये पंखे से झूल लटक रहा था। क्या नाम है इनका? जितेंद्र नाम है इनका, मेरा छोटा भाई है, जवाहर जादूगर कॉलोनी। क्या हुआ था? कोई जॉब वॉब लगनी? जॉब लगने वाली थी, रिपोर्ट नहीं आई। 10th क्लास की मार्कशीट मांग रहे थे उसके, और प्लस उसके अपने दवाई अलग चल रही थी, पथरी की और शुगर की। अच्छा, तो किस चीज़ में जॉब रखने वाली थी? कितने समय में, कौन से डिपार्टमेंट में रखने वाली थी? ये 7 या 8 महीने से, 7-8 महीने हो गए इसको, रेलवे में लगने वाला था, मम्मी की जगह लगने वाला था। क्या हुआ था इतना, क्यों ढीले हुआ, ऐसा कदम क्यों उठाया? इसका तो हमारे को कुछ बताया भी नहीं, चुपचाप ही अपना ऐसा कदम उठा लिया। तो जॉब में कितना समय लगा हुआ, कितने दिनों से मेहनत कर रहा था? करीबन 1.5 साल करीबन हुआ। 1.5 साल मेहनत? हाँ। रेलवे में। अच्छा, तो क्या मतलब चीज़ की दवाई चल रही है इनकी बीमारी, और क्या थी? शुगर की और पथरी की दवाइयाँ चल रही हैं। अच्छा, तो टेंशन में थे तो 3 दिनों में? इन दिनों में बस टेंशन तो उसी की थी, वो नौकरी का, वो उसके चक्कर में प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाए, 10th क्लास की मार्कशीट आ जाए, नौकरी छोड़ जाओ। तो आपको क्या लगता है कि ये मार्कशीट लेट मिलने से वजह से डिप्रेशन में ज़्यादा था? हाँ, उस चक्कर में डिप्रेशन से मैं रहता था अधिकतर, और टेंशन में उसने शुगर भी इसी चक्कर में हुई। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhinge.com, सच के साथ।